जय माता दी। साथियों, मैं सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से एक और नई ताज़ा वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि एक कोशिश, प्रयास, पहल हमारी ये रहती है कि कम से कम मैं अपने इस डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पल पल के बदलते मौसम के साथ साथ विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ साझा करता हूँ। और आए दिन अपने इसी चैनल के माध्यम से माँ वैष्णो मित्र मंडली परिवार के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मुलाकातें होती रहती हैं। और आप सब जानते हैं, इससे पहले हमने लगभग 3 मिलन समारोह करवाए हैं और साथ साथ में माता रानी के भंडारे भी। और उन्हीं में से आज कुछ सदस्य फिर धर्मनगरी कटरा पहुंचे हैं और इनसे पूछते हैं कि कितने लोगों के साथ आए, कहाँ से आए हैं और कुछ लोग नए भी हैं। और एक बार मैं सभी से कहूँगा कि माँ के नाम जय करा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, अरे सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। तो अभी एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले सर, अपना नाम और कहाँ से हैं? सर, हम लोग कुरुक्षेत्र से आए हैं। विनोद कुमार मेरा नाम है और पिछले लगभग 2 वर्ष पहले आया था, लेकिन अब शशि भाई के साथ हमारा आने का प्रोग्राम बन गया, सौभाग्य मिला हमें और माता रानी के दर्शन करके बड़ा अच्छा एक आशीर्वाद मिले। कैसा लग रहा है सर यहाँ का मौसम का मिजाज? और सबसे बड़ी बात कि आप शशि भाई के साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के बारे में आप कटरा पहुँचे तो इसके लिए देखने वाले लोगों को क्या संदेश रहेगा कटरा के बारे में, खासकर मौसम के बारे में? मौसम यहाँ का बहुत ही एक सुहावना मौसम है। जैसे हम लोग चले तो कुरुक्षेत्र से, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आए हैं, तो वहाँ काफ़ी गर्मी थी, गर्मी का अनुभव हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग पठानकोट के आसपास पहुँचे तो उसके बाद तो मौसम बहुत अच्छा और धूप खिली हुई है माता रानी का। आज तो दर्शन बहुत अच्छे होंगे, शाम को आरती करेंगे। आने वाले भक्तों को आपकी तरफ से सर क्या संदेश रहेगा? सब भक्तों को यही संदेश है कि एक श्रद्धा से माता के दर्शन करें और प्रेम भाव से, यही मेरा संदेश है। चलिए, एक गुड़िया है, इनसे भी बातचीत करते हैं। गुड़िया, आपका नाम क्या है? वैष्णवी कुमारी, मैं तेतरी से आई हूँ। कहाँ से आए हो? तेतरी से, बिहार से। पहली बार आए हो या इससे पहले भी आपने दर्शन? पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है माता रानी के दरबार, बताया थोड़ा? बहुत अच्छा, सबसे अच्छा लग रहा है। क्या सबसे अच्छा क्या लग रहा है वो बताइए मेरे को, यहाँ माता रानी का प्रेम। अच्छा, ठीक है। पहाड़ वगैरह देखे आपने ऊपर? जी देखे। हाँ, तो लग रहा है आप चढ़ जाओगे? जी चढ़ जाएंगे। चलिए और भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? कोमल कुमारी, बिहार बेगूसराय तेतरी गाँव से हम आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही है या इससे पहले भी आप आए हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है और हम बहुत एक्साइटेड हैं माता रानी से मिलने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपके बिहार वासी और इस वीडियो को देखने वालों को आपकी तरफ से क्या इस कटरा के बारे में संदेश रहेगा? माता रानी वो सबको भी बुलाएं और सबकी मनोकामना पूरी करें। चलिए, शशि भैया कुरुक्षेत्र से है। शशि भैया, जय माता दी। कैसा लग रहा है भंडारे के बाद फिर मुलाकात? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत एक्साइटेड था मैं भी मिलने के लिए सोम भाई से, माता के दर्शन के लिए। और भंडारे के बाद वैसे मैं एक बार आ भी चुका हूँ पहले भी। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे बेटे अक्षित शर्मा का जन्मदिन है, पिछली बार ये बहुत बहुत सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा, अक्षित का जन्मदिन है इनके बेटे का, उनसे मुलाकात करवाएंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। आप लोग भी टिप्पणियों के रूप में उन्हीं से मिलवाते हैं। अक्षित, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे बड़ी बात, इस पावन अवसर पर आप माता रानी के दरबार दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं माता रानी के दरबार में आया, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल नाइक जो कि झांसी से आते हैं और काफ़ी योगदान रहता है इनका भी हमारे पूरे कार्यक्रम को लेकर, मीटअप को लेकर, और बीच बीच में जब जब भी आते हैं तो मुलाकात होती रहती है। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके, बिल्कुल पूरा एक तरह से जो उत्सुकता रहती है कई महीनों से वो पूरी हो जाती है, और जो भी
सभी यात्रियों की और जो भी माता के भक्त हैं उनकी जो मनोकामना रहती है वो भी पूर्ण हो जाती है। हम लोग अपने परिवार को सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ाने में लगे रहें, क्योंकि हमारे 3 मीटअप जो हो चुके हैं भंडारे के, अब चतुर्थ होगा जो कि 2025 में होगा। इसलिए सभी लोगों से अधिक जुड़ें। जय माता दी। हम जल्द ही उसकी भी रूपरेखा और कार्यक्रम की डेट वगैरह अनाउंस करेंगे, तो एक बार सभी लोग मिलकर माता रानी के नाम से जरूर जयकारा जयकारा। शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार।